मास्टर शेफ जो तीसरा सीजन था इन्होंने क्रैक किया, कितने रुपए लेगा बाजी? 1 करोड़ रुपया। एक करोड़ रुपया? नहीं नहीं। हेलो जी, मेरा नाम मनोज है। हर सुबह 7 से 11 मेरी और आपकी मुलाकात होती है। कौन कहता है कि लड़के खाना नहीं बना सकते? और अगर आप भी यही सोचते हैं तो जीता जागता एग्जांपल हमारे सामने बैठे हुए हैं। मास्टर शेफ जो तीसरा सीजन था इन्होंने क्रैक किया, कितने रुपए लेगा बाजी? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? नहीं नहीं। हमारे साथ है रिपु दमन हांडा सर, और बहुत बहुत उनका स्वागत है रेडियो सिटी के स्टूडियोज में। बहुत सारी बातें होने वाली है। सबसे पहले तो झारखंड आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने झारखंड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लाइक यू, लाइक मिस्टर धोनी एंड एवरीवन। ठीक है, उनका एक आइकॉन है यहाँ पे, मतलब एक अलग सी हवा चलती है उनके नाम पे। लेकिन यहाँ धोनी भैया कहते हैं। एंड झारखंड बहुत अच्छी जगह है। मैं पहले भी यहाँ पे आया, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं आईपीएल मैच देखने के लिए आया था। एंड बस अभी और एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, एंड डेफिनेटली मैं मनोज से मिलाऊं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आपसे मिलके। थैंक यू। साथ ही साथ इनके बारे में कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली कि कैसे ये शरारती बच्चे हुआ करते थे, कैसे इन्होंने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे तो बहुत लंबी बातचीत हुई, पर ज्यादा उसको लंबा नहीं करते। एक चीज जो आपसे सीखने को मिली कि भाई आप जो लाइफ में करना चाहते हो ना, उसको खुल के इंजॉय करते हुए करो। बिल्कुल। आप ये चीज उन यूथ को भी कहिए जो इस समय बहुत एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? देखिए, यूथ से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा पेरेंट्स को। जिस तरह मनोज भाई ने बोला कि मैं वो चीज करता हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, मैं उस चीज को इंजॉय करता हूँ, और इसी चीज को बचपन में पेरेंट्स कहते हैं शरारत की, नॉटीनेस बहुत ज्यादा है। तो मैं नॉटी बहुत रहा हूं, मैं आज भी नॉटी बहुत हूं, मैं आज भी अपने काम को एक फन वे में लेके चलता हूं। तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों को हर्ट ना करें, अपने आप एंजॉय करें उस काम को, उस पढ़ाई को, स्पोर्ट्स को, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। सो जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। और जो स्ट्रेस, जिसका वर्ड बोलते हैं स्ट्रेस, वो स्ट्रेस किसी चीज का नहीं है। ठीक है, और एक फिटनेस के बारे में बात बोलना चाहूंगा। बॉडी बनाना इज नॉट अ फिटनेस, फिटनेस इज हियर मेंटली फिटनेस। अगर आप मेंटली खुश हो तो आप प्रॉपर फिट हो। हाँ, अगर आपको गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है तो उसके लिए 6 पैक एब्स ही होंगे, बट ऐसी आपको बॉडी बनानी पड़ेगी। मेरे पास एब्स नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, डोंट वरी। मैंने एक बार बनाए थे एब्स, बट हाँ, लेकिन उससे ज्यादा मेंटली फिट रहे आप कोई ना कोई अपने आप को अलग अलग चीजों में डाइवर्ट करके रखिए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो सिंगिंग क्यों ना हो, चाहे वो आप छत पे जाके बैडमिंटन खेले, पतंग उड़ाए, कुछ भी करे, बट करे वो चीजें। इट जस्ट इट्स गिव यू स्ट्रेस, आपका रिलीज करते हैं। जैसा मेरा जो स्ट्रेस रिलीव करते हैं वो पतंग मैं उड़ाना बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, मैं अपने भतीजे के साथ बास्केटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। तो मेरे को उन चीजों में मजा आता है। तो आप मजा ढूंढिए अपने अंदर। अमेजिंग है। एक बहुत ही बेसिक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पहली बार कब पता चला कि आप खाना बना सकते हो? पहली बार मेरे जब खाना बचपन से बनाते थे हम लोग, लेकिन जब एक्चुअल कुकिंग मैंने की थी तो मेरे घर में एक ट्रेंड है, मेरे भैया भाभी की लंबाई जो थी, तो मम्मी पापा भी लंबाई थी बोल सकते हैं आप लोग। तो जब करवा चौथ का व्रत होता है तो भाई मम्मी रखती है तो पापा भी रखते हैं, भैया रखते हैं तो भाभी रखते हैं, तो बचा मैं। हाँ, तो सब लोग होश पड़े हुए हैं, किसी को कोई होश नहीं, खाना खाना है। तो आई मेक दाल एंड जली रोटी फॉर एवरीवन। और पंजाबियों में कहावत होती है कि अगर घर पे कोई बात हुई है ना तो वो रिश्तेदारों में ढंडोरा पीटना है कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आई जस्ट मेक अ सिंपल येलो दाल विद रोटी एंड माय मॉम वाज लाइक कि मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बोल दिया कि मेरे बेटे ने खाना पकाया। और मैं उस वक्त मैं शायद फोर्थ क्लास में था, फोर्थ या फिफ्थ में था, तो मैंने उस टाइम पे खाना बनाया था। और वहीं से ये जनरेशन पूरी शुरू हुई। आज भी करवा चौथ पे मैं कहीं भी होता हूँ तो मैं अपने घर जरूर जाता हूँ ताकि वहां पर खाना बना सकूँ। अभी वो खाना चेंज हो चुका है, अभी पूरा एक बुफे लगता है जिसमें मैं उनकी मनपसंद की चीजें बनाता हूँ सारी, पूरा दिन आई डू कुकिंग एंड रिलैक्स। मतलब आई थिंक कुकिंग इज समथिंग जो आप पूरा दिन कर सकते हो। हाँ, मैं करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में, जब मैं रेस्टोरेंट में होता हूँ तो मैं करता हूँ, जब मैं केटरिंग में होता हूँ तो मैं करता हूँ, जब मेरे लाइव शोज होते हैं कुकिंग के जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं उनके सामने मैं करता हूँ कुकिंग। सिंगिंग शो की बात करते हैं, एक रियलिटी शो आया था इसमें अभिजीत सावंत विनर बने थे। इनफैक्ट मैं आपके बारे में ये समझता हूँ कि जब आप विनर बने थे, एक सेंसेशन बने थे, तो उसके बाद से एक जो क्रेज है लड़कों का शेफ बनने का, वो बहुत ज्यादा उभर कर अब सामने आ रहा है। लड़के भी कुकिंग में, इनफैक्ट लॉकडाउन में मैंने भी थोड़े बहुत डंडे खाकर कुकिंग वगैरह करी है, लेकिन उसको वीडियोज भी बना के डाले और आई गॉट ह्यूज एप्रिसिएशन ऑल्सो। गुड गुड। मुझे लगता है कि ये वर्ड जो है ना, लड़कों को खाना नहीं पकाना चाहिए, मुझे लगता है लड़कों को हर काम करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन
या आपकी मॉम अगर जॉब कर सकती है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। इट्स इक्वल, ये जो 2021 आया है ना, ये सब इक्वल आया है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, तो ये इक्वल रहना चाहिए हर किसी के लिए। एंड बस एक चीज ध्यान में रखिए, मेंटल फिटनेस फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज, एंड बाकी जैसी लाइफ चल रही है उस लाइफ को एंजॉय करें एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस ज्यादा रखें अपने पास। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपना कीमती समय उन्होंने यहाँ दिया, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे पेज पर और सुनते रहिए मुझे रेडियो सिटी पर हर सुबह 7 से 11। थैंक यू। रग रग में जमशेदपुर सिटी।